साथियों, एक और विषय है भारत का इन्फ्लुएंस। भारत के बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आज दुनिया में आप में से जो भी परिचित होंगे विश्व के साथ, आज भारत का तिरंगे का बहुत आन बान शान है, भारत के पासपोर्ट की आन बान शान है कि नहीं है? है ना? आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे, तिरंगा झंडा दिखा दिया, काम चल जाता था जी। ये सामर्थ्य ऐसे ही नहीं आया दोस्तों, ये सामर्थ्य ऐसा ही नहीं आया है, इसके पीछे एक मिशन बोर्ड में तपस्या की गई है। दुनिया में आज वातावरण बदला है, लेकिन उसको और अधिक आज भी दुनिया में कुछ परसेप्शन ऐसे ही है हमारे लिए, हम उसको बदल सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं, मुझे याद है मैं एक बार किसी एक देश में गया था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो परिचय वो, और वो कंप्यूटर इंजीनियर था, उस सरकार में काम करता था, तो मेरी मदद की उसने, तीन चार दिन मेरे साथ था वो, तो परिचय हो गया। तो आखिर में उसने कहा, साहब आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? नहीं सर, आपको आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं, दोस्त तीन चार दिन से आप देख रहे हो, बुरा लगने का सवाल नहीं, आप जरूर पूछिए। नहीं नहीं नहीं, रहने दो साहब, नहीं पूछता हूँ। नहीं, मैंने कहा पूछो यार। उसने कहा साहब, क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? ये मुझे पूछा गया सवाल था जी। मैंने कहा देख दोस्त, हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकतवर थे, तो सांप बाप उनके लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल था। अब मैंने कहा हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, और धीरे 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 करके मैंने कहा वो माउस पे आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा वो माउस से पूरी दुनिया को हिलाते हैं। साथियों, मेरे देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को, मैं समझता हूं हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम हो, हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। आप फिक्शन ऑफ सेकंड दुनिया में पहुंच सकते हैं, आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मैं कल श्रीनगर में गया था, तो एक नौजवान से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं हैरान हूं, जो वो सिर्फ शहद का काम करता है, मधुमक्खी पालन का काम करता है, और आज ग्लोबली उसने अपनी एक ब्रांड पहुंचा दी है जी, जस्ट डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से। और इसलिए साथियों, आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग
विदेशी भाषा को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आते एआई की मदद से काम हो सकता है, कुछ लोग सीख भी सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यूएन लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश जैसे लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, उनकी भाषाओं में हम कुछ करें, हमारी एक अलग पहचान बनेगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हमने लिया है। मैं भी कुछ दिन पहले बिल गेट्स के साथ गप्पे मार रहा था, तो ऐसे ही एआई वगैरह सारे विषयों पर बहुत चर्चा निकली है, कभी उसके विषय में जरूर आपको पता चलेगा। लेकिन हमने अभी कल ही एक डिसीजन लिया है, हम एआई मिशन को, और मैं मानता हूं दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या कम करेगा, क्योंकि भारत लीड करेगा, मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर, जिस प्रकार से भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और मैं बताता हूं कि हम 2G 4G वगैरह में बहुत पीछे रह गए, 5G में हमने लीड कर लिया। वैसा ही हम बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर की दुनिया में, हम दुनिया में अपनी जगह बना लेंगे दोस्तों, और देखते ही देखते हम छा जाएंगे। और ये मोदी के कारण नहीं, मेरे देश के नौजवानों के कारण, मेरे देश के टैलेंट के कारण। इतना सामर्थ्य है, मोदी तो सिर्फ अवसर देता है, रास्ते से कांटे हटा देता है ताकि मेरा देश का नौजवान तेज गति से आगे बढ़ चले। और इसलिए मैं चाहता हूं जैसे हमारे पड़ोस के देश है, उनकी भाषा है, उनके साथ उनकी सोच समझ के अनुकूल हम जितनी चीजें पहुंचाएंगे, मैं समझता हूं हमारा नाता और जुड़ेगा।